नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्मार्ट नई सिटी। जी हां, मध्य प्रदेश की पहले बात करते हैं, जहां मध्य प्रदेश में अब स्मार्ट सिटी को फंड नहीं मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने इस योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को स्मार्ट सिटी के विकास की जिम्मेदारी अब उठानी होगी, जबकि निगम की आर्थिक हालत पहले से ही खराब है। वहीं बड़ा सवाल ये भी है कि अब हजारों लोगों के विस्थापन का क्या होगा। भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 30 जून को बंद हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के बंद होने से जो प्रोजेक्ट के अधूरे काम है वो रह जाएंगे। ग्रीन सिटी कही जाने वाली भोपाल शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की मिली भगत से कैसे जो है घोटालों को अंजाम दिया गया, हकीकत क्या है इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। ये नजारा दिखाया गया है स्मार्ट सिटी का। करोड़ों खर्च करने के बीच पिछले 5 साल में राजधानी में स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ 2 सड़कों का विकास हुआ। लेट लतीफी के कारण स्मार्ट सिटी का काम पूरा नहीं हो पाया। अब तो केंद्र सरकार ने हाथ खींच लिए। सरकार इस योजना को बंद करने का प्लान कर चुकी है, यानी साफ है अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलेगा और स्मार्ट सिटी अब कभी विकसित भी नहीं हो पाएगी। 2015 से केंद्र सरकार से मिले करोड़ों रुपए के विकास के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ और अब प्रोजेक्ट बंद होने की खबर से स्थानीय प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे हैं। भोपाल का जो सबसे खूबसूरत क्षेत्र था, भोपाल का नॉर्थ और साउथ टीटी नगर, जिसमें कि इंडिपेंडेंट मकान बने हुए थे सरकारी कर्मचारियों के लिए, सबसे खूबसूरत और सबसे ऊंचा शहर क्षेत्र था। उस क्षेत्र में इन्होंने स्मार्ट सिटी की कल्पना की और आज उन्होंने वहाँ पर सैकड़ों पेड़ काटकर वहाँ मार्ग बना दिए और वहाँ पर लगभग जो भी रह रहे थे सरकारी कर्मचारी उनको विस्थापित कर दिया। आज की तारीख में वो मजदूरों के मकानों के तरह जो मकान बनते हैं उन मकानों में रह रहे हैं। अधिकारियों की अदूरदर्शिता की वजह से यह प्रोजेक्ट पूरा फेल हुआ और जनता की गाड़ी कमाई के लगभग 237 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की वजह से टीटी नगर क्षेत्र में बने सरकारी आवास तोड़े गए, हजारों पेड़ काट दिए गए, लेकिन इनके विस्थापन के लिए स्थानीय प्रशासन कोई तैयारी नहीं कर पाया। पहले करोड़ों रुपए जनता के इन्होंने बर्बाद कर दिए। अच्छा खासा रहवासी एरिया था साउथ टीटी नगर, जिसमें हर घर में एवरेज 4 से 5 बड़े पेड़ थे, 50-50 साल पुराने। सब पेड़ काट दिए गए, लोगों के घर तोड़ दिए गए, सब बेघर कर दिया लोगों को। आज स्थिति यह है, कोई किराए के मकान में रहने को मजबूर है, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी इन्होंने 50-50 करोड़ के प्लॉटिंग के बिड लगा रखी है स्मार्ट सिटी ने। सब उजड़ चुका है, मकान टूट गए हैं, बस सीधे प्लान कर दिया गया इसको और कुछ भी नहीं आगे योजना इस पर। सुंदर भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है और इस विकास कार्य के नाम पर भारी संख्या में हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया है। जितने ज़्यादा पेड़ कटते जा रहे हैं, भोपाल में रहना लोगों का उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कहा गया है कि विकास कार्य में अगर पेड़ बीच में आ रहा है तो वो सड़क भी टेढ़ी बनाई जा सकती है, लेकिन पेड़ को नहीं काटा जाए। 2019 के आम चुनाव में तत्कालीन केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी का जमकर प्रचार किया, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फरमान जारी कर दिया। केंद्र सरकार ने स्थानीय प्रशासन को बाकी के काम पूरे करने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब सवाल यह है कि स्थानीय प्रशासन के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए वेतन भत्तों के पैसे नहीं है, वे स्मार्ट सिटी का काम कैसे पूरा करेंगे। निश्चित ही काम तो प्रभावित होंगे, केंद्र सरकार से चर्चा करेंगे और आवेदन लेटर भी लिख कर देंगे कि स्मार्ट सिटी भोपाल का यदि फंड बंद हो गया तो कहीं ना कहीं भोपाल में परेशानियां होंगी। बंद करना नहीं कहेंगे इसको, योजना को पूरी होना कहेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। स्मार्ट सिटी के जिन प्रस्तावों को केंद्र सरकार को भेजा गया था वो सारे स्वीकृत हो गए, वो पूरे हो गए। स्मार्ट सिटी ने कुछ और प्लान होता इनका, क्योंकि उसके अंदर जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, इसलिए उस समय जो जो भी इसके मॉडल तय हुए होंगे उन पर काम हो गया है। बाकी और काम प्रस्तावित होंगे तो उसके संबंध में अलग से चर्चा की जाएगी क्या हो सकता है। वैसे तो प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन एक भी पूरी नहीं हो पाई है। भोपाल स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी के विकास कार्य राजधानी में 2 हिस्सों में स्मार्ट सिटी को बांटा गया। पहले हिस्से में
बेस्ट डेवलपमेंट और दूसरे में पेन सिटी। 342 एकड़ जमीन पर होने थे विकास कार्य, रोड नेटवर्क के अलावा हाउसिंग और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का विकास, हाट बाजार दशहरा मैदान भी प्रोजेक्ट में थे शामिल। इन विकास कार्यों में 70% से ज्यादा काम अधूरे पड़े हैं। इसमें नॉलेज हब, एजुकेशन हब, एनर्जी हब, हेल्थ हब, इनोवेशन सेंटर समेत 2 दर्जन से ज्यादा काम है। विपक्ष आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार के चलते ही स्मार्ट सिटी को बंद करने का फैसला किया गया। सरकार स्मार्ट नहीं है, सरकार का उद्देश्य स्मार्ट नहीं है। सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार बन जाएगा तो स्मार्ट सिटी का हालात जो बने हैं वही बनेंगे। सबसे पहले तो धोखेबाजी हुई है। 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की बात हुई थी नई आज 7-8 साल पहले केंद्र सरकार की तरफ से। जब वो नहीं बना पाए, असफल हुए, तो फिर कहा कि जो वर्तमान में शहर हैं उन्हीं को स्मार्ट करेंगे। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद करने वाले कौन लोग हैं, किसने रिश्वतें ली हैं, किसने ये पूरे कामों में घोटाले किए हैं, अगर ये जाँच नहीं होगी, कांग्रेस की सरकार बनने पर हम काम करेंगे। केंद्र की सरकार हमारी बन रही है और यहाँ पर राज्य की सरकार की ईंट से ही बजा देंगे। स्थानीय प्रशासन भी स्मार्ट सिटी के चक्कर में कर्जदार हो गए हैं। केंद्र सरकार ने मिली फंड से निश्चित अनुपात में राशि स्थानीय प्रशासन ने भी खर्च की। अब पूरा प्रोजेक्ट तो स्थानीय प्रशासन के बस की बात नहीं है और यही वजह है कि बीजेपी के महापौर ही केंद्र सरकार से पुनः विचार करने की मांग कर रहे हैं। INS न्यूज के लिए भोपाल से सनी मालवीय की रिपोर्ट। तो स्मार्ट सिटी को लेकर अब केंद्र की ओर से फंडिंग बंद हो गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल के अलावा आपको बता दें कि उज्जैन और जबलपुर में अभी भी फंडिंग की जाएगी। 2 शहरों के नाम सामने आए हैं जिनमें फंडिंग की जाएगी। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए। अनुराग, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी की बात करें तो अब योजना पर केंद्र ने ब्रेक लगा दिया है, कितना नुकसान इससे होगा? क्योंकि जिस तरीके से भोपाल ग्रो कर रहा था, यानी कि मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्रो कर रहा था, एक अच्छे राज्य में शामिल होता, इंदौर अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था, अब कितना नुकसान इससे मध्य प्रदेश को होगा? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो कई सारे शहरों को सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है। राजधानी भोपाल से लेके हम छोटे शहरों की बात करें तो सतना तक, इन सभी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, लेकिन अधिकांश जगहों पर सड़कें खुदी पड़ी है, सीवर लाइन खुदी पड़ी है, तालाब बनाने थे वो नहीं बन पाए, झीलों का सौंदर्यीकरण होना था वो नहीं होना था, सड़कों पर स्मार्ट लाइटिंग और स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी थी वो नहीं हुई थी। राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की एक झलक दिखाता हूँ। ये स्मार्ट हाट बाजार और स्मार्ट सब्जी मंडी बनाई जानी थी। स्वच्छता के बारे में बात करना था तो इस कचरा और जो था उसके निष्पादन के लिए एक स्मार्ट प्रोजेक्ट था, जो किस हाल में है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की है, जहां पर अगर आप देखें वो लिखा है गील कचरा, लेकिन वो कब तक के उठता है और कब तक इसका निष्पादन होता है, ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कितना स्मार्ट राजधानी भोपाल हुई है और कितना मध्य प्रदेश होगा अगर राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें हैं। तो मैं आपको विद्युत व्यवस्था की बात करूं जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में थी, अगर आप देखेंगे तो अभी भी सड़कों पर पूरे बिजली के तार आपको बिछे हुए यहां पर नजर आएंगे, जबकि ये सारे अंडरग्राउंड हो जाने चाहिए थे। लगभग अगर मैं बात करता हूं सिर्फ राजधानी भोपाल की तो 650 करोड़ के प्रोजेक्ट यहां अटकने हैं। पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें जो अटकने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, ओवरऑल प्रोजेक्ट्स की संख्या तो काफी ज्यादा है, लगभग 3000 के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फिलहाल पूरी तरह से अधूरे पड़े हैं, और ऐसे में इस तरह से बंद होना कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के उन तमाम शहरों के लिए दिक्कत खड़ी करने वाला है, जहां पर प्रोजेक्ट्स अधूरी अवस्था में और जहां पर फंडिंग की डिमांड जो है वो नगरीय निकाय और स्मार्ट सिटी सेल की तरफ से की गई है। जी अनुराग, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से फंडिंग बंद की गई है, क्या भोपाल के अलावा आपको बता दें कि जबलपुर और उज्जैन का नाम सामने आ रहा है, वहां पर अभी भी फंडिंग की जाएगी, उनको उसी तरीके से केंद्र की ओर से पैसा आएगा उज्जैन और जबलपुर में? देखिए बिल्कुल, यहां पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो जहां पर सियासी प्रतिनिधित्व बेहतर तरीके का है, उज्जैन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर हैं, इस कारण जो है उसकी फंडिंग जो है वो रिज्यूम की गई है। जबलपुर की बात करते हैं तो वहां राकेश सिंह PWD मंत्री हैं और कहीं ना कहीं केंद्र में उनकी बेहतर दखलंदाजी है, तो ये कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से सफल हुई है। लेकिन अगर आप बात करोगे सतना की, आप बात करोगे रीवा की,
अगर आप बात करोगे सागर की तो तस्वीरें बेहद खराब है। मैं एक और तस्वीर दिखाता हूँ कि किस धीमे तरीके से ये प्रोजेक्ट पर काम हुआ। जो आवारा पशु हैं उनके लिए अलग अलग जो है वो गौशालाएं और केंद्र बनाने की बात की थी, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं किस तरह की है। इसी तरह अगर मैं आपको सुलभ शौचालयों की व्यवस्थाओं की बात करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वहां पे अंदर जाने का भी किसी का मन नहीं करेगा। स्वच्छता के लिहाज से अगर आप बात करें तो ये स्मार्ट सिटी की तस्वीरें हैं, राजधानी भोपाल के प्रोजेक्ट की तस्वीरें हैं, जबकि स्मार्ट जो है वो टॉयलेट्स बनाने की बात की गई थी, म्यूजिकल टॉयलेट्स बनाने की बात की गई थी। तो साफ तौर पे कहीं पर कचरा है, कहीं पर यह है। इस तरह से अगर आप देखें तो जिन जिन क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात की गई थी, शायद वो सब्जी मंडियों की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, या फिर कचरा निष्पादन की बात हो, या स्मार्ट लाइटिंग की बात हो, सौंदर्यीकरण की बात हो, सारे के सारे प्रोजेक्ट सभी अधूरे हैं। कुछ जगहों पर तो ये शुरू कर दिए गए हैं या दोबारा से फंडिंग की बात कही गई है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कतें आने वाली है वो है रीवा, सतना, सागर जैसे शहरों में, जहां पर जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कारण सड़कें खुदी पूरी नहीं डल पाई है, तालाबों का सौंदर्यीकरण है वो अधूरा पड़ा हुआ है। तो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं इन शहरों को मुश्किल में डालने वाली है। जी कुल मिलाकर अनुराग यही समझ सकते हैं जिस तरीके से राजधानी भोपाल की यदि ये तस्वीर सामने आ रही है तो सतना, रीवा और छोटे शहरों की हालत तो और भी ज्यादा खराब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ब्यूरो प्रमुख अनुराग हमें सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रोजेक्ट्स की बनावट होनी थी वो नहीं हुई है, और अब तो केंद्र की ओर से जो फंड दिया जाना था उस पर भी रोक लगा दी गई है।